पिथौरागढ़ राज्य में राजा खड़क सिंह का राज था। सब तरफ खुशहाली थी और राजा भी अपने राज्य में रहने वाले हर एक कलाकार का सम्मान करता था और उन्हें पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया करता था। एक दिन दरबार में, महाराज, हमारे राज्य में एक नया चित्रकार आया है जो सबकी बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर बनाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम भी उस चित्रकार से हमारी तस्वीर बनवाना चाहेंगे। सिपाहियों, जाओ और जाकर उस चित्रकार को हमारे महल में लेकर आओ। मैं भी अपनी तस्वीर बनवाऊंगा और फिर मैं उस तस्वीर को अलग अलग राज्यों में पहुंचवाऊंगा ताकि मुझे कोई अच्छी सी राजकुमारी पसंद कर ले। आपको और कोई राजकुमारी पसंद करे, यह तो हो ही नहीं सकता। शक्ल देखिए आपने अपनी कभी। अगले दिन उस चित्रकार को महल में बुलवाया जाता है। महाराज की जय हो। तो तुम ही हो वह चित्रकार जिसके बारे में हमने इतनी तारीफ सुनी थी? हाँ महाराज, मैं हूँ चित्रकार छबीला। आदेश कीजिए महाराज, क्या हुक्म है? हमने तुम्हें यहाँ हमारी तस्वीर बनाने के लिए बुलवाया है। ठीक है महाराज, मैं चित्र तो बना दूंगा, पर मैं आपको पहले ही आगाह करना चाहता हूँ। क्या क्या आगाह करना चाहते हो? पर क्यों, किस बात के लिए? महाराज, मैं जिसका भी चित्र बनाता हूँ उसके साथ 4 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। क्या बात कर रहे हो, यह सब अंधविश्वास है और मैं इन अंधविश्वासों में नहीं मानता। तो ठीक है महाराज, मैं आपका चित्र बनाने के लिए तैयार। फिर चित्रकार राजा का चित्र बनाने लगता है। छबीला जी, आप मेरी भी एक तस्वीर बनाना ताकि मुझे भी कोई सुंदर सी राजकुमारी पसंद कर ले। वह चित्रकार मेरी तस्वीर बनाएगा, उसके बाद किसी और की, समझे? अब दफा हो जाओ यहाँ से। चित्रकार राजा की बहुत सुंदर तस्वीर बना देता है। राजा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे, तुमने तो काफी सुंदर तस्वीर बनाई है, ये लो तुम्हारे लिए इनाम। राजा सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली चित्रकार को देता है। ठीक है महाराज, तो मैं चलता हूँ, पर याद रखना, मैं जिस किसी की भी तस्वीर बनाता हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। अरे, जिसको ऐसी बीवी और ऐसा बेटा मिला हो उसके साथ और क्या बुरा हो सकता है। रानी गुस्से से राजा की तरफ देखती है। मेरा मतलब है कि जिसको ऐसी बीवी और ऐसा बेटा मिला हो उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता ना। अरे, ऐसे कैसे हम आपको जाने दे सकते हैं? अभी तो आपको हमारी भी तस्वीर बनानी है, आप भूल गए? चलिए चलिए हमारे साथ और हमारी भी तस्वीर बनाएं। जो हुकुम युवराज। फिर चित्रकार प्रताप की तस्वीर बनाने के लिए उसके साथ जाने लगता है। तभी महाराज के ऊपर झूमर गिरते गिरते बच जाता है। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, मैं जिस किसी की भी तस्वीर बनाता हूँ उसके साथ बुरा होने लगता है। अरे, ये तो एक इत्तेफाक है, कुछ बुरा उरा नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद राजा का पैर फिसल जाता है और राजा गिर जाता है। अय्यो! अरे महाराज, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि थोड़ा वजन कम कर लीजिए, देखिए आपके गिरने से महल का फर्श टूट गया। अरे रानी साहिबा, हम गिर गए हैं, आपको हमसे ज्यादा महल की फर्श की पड़ी है, अब हाथ दीजिए और उठाइए हमें। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चित्रकार सच कह रहा है? अगर इसके चित्र बनाने में आपकी जान पर कोई खतरा हुआ तो? अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। नहीं महाराज, हम इन बातों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तभी राजा के पास से एक खंजर उड़ता हुआ निकल जाता है। सिपाहियों, जरा देखो कौन है वहाँ पर। सब लोग राजा के लिए बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सिपाहियों, महाराज की सुरक्षा में कड़ा पहरा लगाया जाए और ध्यान रखना, महल में कोई भी अनजान व्यक्ति बिना इजाजत के नहीं आना चाहिए। जो हुकुम मंत्री जी। फिर महल में कड़ा पहरा लगा दिया जाता है और राजा के कक्ष के बाहर भी 3 गुना पहरा लगा दिया जाता है।
हे भगवान, सिपाहियों, महामंत्री, जल्दी आओ। महाराज, महाराज उठिए ना, महाराज उठिए महाराज। क्या हुआ रानी साहिबा? महामंत्री, ये देखिए महाराज को क्या हुआ, ये उठ ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं कैसे सजूंगी, कैसे संवरूंगी। महाराज, आपको मेरे महंगे जेवरों की कसम, आपको उठना ही होगा। अब मैं इन महंगे जेवरातों का क्या करूंगी। उठ जाइए ना महाराज, उठ जाइए, मैं बिना सजे संवरे कैसे दिखूंगी, आप ही बताइए ना महाराज। उठ जाइए महाराज, उठ जाइए। रानी की दो दासियां रानी को संभालकर बाहर ले जाती हैं। पूरे राज्य में मातम छा जाता है। महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? तभी एक सिपाही वहां पर दौड़ा दौड़ा आता है। युवराज की जय हो। युवराज, पड़ोसी राज्य की राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। पिताजी, अगर आप मुझे पहले ही युद्ध नीति बता देते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे तलवार भी ठीक से पकड़ना नहीं सिखाया, कठोर कहीं के। पर मंत्री की सूझबूझ से युवराज युद्ध जीत जाते हैं। क्या हुआ युवराज, आप चिंतित लग रहे हैं। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं बस ये सोच रहा था कि जब मैं उस चित्रकार से चित्र बनवा रहा था तब चित्र नहीं बन पाया था, तो क्यों ना मैं भी उस चित्रकार से अपना चित्र बनवाऊं, ताकि हम पता लगा सके कि क्या सच में उस चित्रकार के चित्र बनाने के बाद कोई दुर्घटना होती है। प्रताप की बात सुनकर मंत्री भी थोड़ा सोच में डूब जाता है। वह तो ठीक है, पर अगर आपकी जान को भी खतरा हुआ तो? महामंत्री जी, आपका डर सही है, पर हमें इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा। अगले दिन फिर से उस चित्रकार को बुलवाया जाता है। महाराज, मुझे फिर से क्यों बुलाया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए? चित्रकार छबीला, हम यह चाहते हैं कि आप हमारी भी एक तस्वीर बनाएं। पर युवराज, आपको तो पता है कि मेरे चित्रकारी की वजह से महाराज का निधन हो गया, और आप फिर भी मुझसे अपना चित्र बनवाना चाहते हैं? आपसे जितना कहा जाए बस आप उतना ही कीजिए। फिर चित्रकार प्रताप की एक तस्वीर बना देता है। चित्रकार छबीला, आपने हमारी तस्वीर तो बहुत सुंदर बनाई है, पर आपको कुछ दिन हमारे महल में ही रुकना होगा। जो आज्ञा महाराज। उसी रात को एक नकाबपोश युवराज के कमरे में युवराज को मारने के लिए पहुंच जाता है। तभी वहां पर मंत्री आ जाता है और वो नकाबपोश भाग जाता है। युवराज, मैंने अभी अभी यहाँ पर किसी को देखा, पर यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं था, जरूर आपको वहम हुआ होगा। नहीं युवराज, महाराज की मौत के बाद हमें और भी सतर्क रहना होगा, हम किसी भी बात को हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है महामंत्री जी, पर आप अभी अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए। रानी भी अच्छे चित्र बनवाने के लालच में उस चित्रकार के पास पहुंच जाती है। चित्रकार छबीला, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम हमारी एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें हम बिना सजे संवरे भी बहुत सुंदर दिखें। आसपास के राज्यों की सभी रानियां उस चित्र को देखकर हमसे जलें। चित्रकार रानी की भी तस्वीर बना देता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। सिपाहियों, महामंत्री जी को जल्दी से बुलाया जाए। महामंत्री जी, देखिए उस चित्रकार ने हमारी कैसी तस्वीर बनाई है। हमने उसे कहा था कि तुम मेरी बहुत सुंदर तस्वीर बनाना, जिसे देखकर आसपास की सारी रानियां हमसे जलने लगें, पर उसने तो हमें ही जला दिया। मंत्री उस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाता है। इस तस्वीर के मुताबिक आपका चेहरा जला हुआ है, मतलब आपके साथ भी ऐसी ही कुछ घटना होने वाली है, आप जरा सावधान रहना। तभी रानी की एक दासी गर्म पानी लेकर आती है और रानी का हाथ उससे जल जाता है। रानी इस वाक्य से घबरा जाती है। मुझे बचाइए, मैं अपने सुंदर चेहरे को इतना बुरा नहीं देख सकती, मुझे बचाएं महामंत्री, मुझे बचाइए। अगली सुबह प्रताप तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तभी तलवार लगने से उसका हाथ कट जाता है। दूसरी तरफ जब रानी रसोई का मुआयना करने गई तो उसकी आंखों में मिर्ची चली जाती है। दोनों मंत्री के पास जाते हैं।
और मंत्री को सारी बात बताते हैं। मंत्री सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। मतलब उस चित्रकार के चित्र बनाने के बाद सच में कोई ना कोई दुर्घटना होती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? महारानी जी और युवराज, आप दोनों अपना ध्यान रखिए और थोड़ी ज्यादा सतर्कता बरतिए। ठीक है मंत्री जी। आज 4 दिन हो गए हैं मेरी तस्वीर बने, मतलब आज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, मुझे सावधान रहना होगा। रात को एक नकाबपोश फिर से युवराज पर हमला करने आता है। वो युवराज के सीने में छुरा घोंप देता है, तब पीछे से युवराज उसे पकड़ लेता है। सिपाहियों, सिपाहियों, जल्दी इस नकाबपोश को पकड़ो। सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या हुआ युवराज? ये नकाबपोश हमारी जान लेने के लिए हमारे कमरे में घुस आया था। तुम मेरे बेटे को मारना चाहते थे? ये ले। तुम? अच्छा, तो वह तुम ही थे जिसने मेरे पिताजी को भी मार डाला और अब मुझे मारना चाहते हो? ये ले, तूने मेरी इतनी बदसूरत तस्वीर बनाई और अब तू मेरे बेटे को भी मारना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, युवराज मुझे छोड़ दीजिए, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मेरी इतनी बदसूरत तस्वीर बनाई और कहता है कि मेरी गलती नहीं है, पता तुझे यहाँ किसने भेजा था? मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ये सब करने के लिए आपके ही महामंत्री ने कहा था और ये सारा षड्यंत्र भी उन्हीं का था। क्या, महामंत्री जी का? तभी मंत्री उसकी तलवार निकाल कर प्रताप को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर एक सिपाही मंत्री का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारे राज्य को हड़प लोगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? और फिर वो सिपाही अपनी दाढ़ी मूछ निकाल कर राजा के भेष में आ जाता है। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। सब लोग हैरान हो जाते हैं। महाराज, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे इस चित्रकार पर तो पहले से ही शक था, पर महामंत्री, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे तो पहले से ही बदला लेना था। मैंने बहुत बार तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? यह तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता था? बचपन से ही तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी प्रतियोगिता रही, वो हमेशा तुम जीत जाते थे। और तो और, जब हम दोनों स्वयंवर के लिए गए, तब मुझे पहली नजर में रानी से प्रेम हो गया। तब भी स्वयंवर जीत कर रानी भी तुमने हासिल कर ली। उस दिन से ही मैंने यह फैसला ले लिया था कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा राज्य छीन लूंगा, पर तुम हर बार बच जाते। इसीलिए मैंने युवराज को भी युद्ध नीति से दूर रखा, ताकि तुम्हारे बाद यह मूर्ख युवराज कुछ ना कर सके। सिपाहियों, ले जाओ मंत्री को और इस चित्रकार को भी। महाराज, आपने कितना बढ़िया षड्यंत्र रचा। आप जिंदा हैं, मैं अपने सारे गहने पहन सकती हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ, बस मैं मरने का नाटक कर रहा था। मुझे इस चित्रकार पर शुरू से ही शक था, पर मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने इस चित्रकार को किसी से बात करते हुए सुना कि उसने मेरे दूध में जहर मिला दिया है, और फिर मैंने वह दूध फेंक दिया और मरने का नाटक किया ताकि मैं इनकी हरकतों पर नजर रख सकूं और इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर सकूं। ओह, सब तो ठीक है, पर उस चित्रकार से मेरी एक सुंदर सी तस्वीर जरूर बनवा दीजिएगा। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।